इमरान नंबर एक का शराबी है, समझ लीजिए उसको पूरा पाकिस्तान है उसमें डूब गया है। चाहे जितना मारो, जितना चाहे गाली दो, चाहे जो कुछ कहो, फिर वही वो कहेगा फिर मारो। आप कभी किसी शराबी से मिले, किसी शराबी से मिले हो आप? शराबी को एक लात मारिए तो कहेगा कि एक और मारो तो बताते हैं, फिर एक लात मारिए, फिर कहेगा एक फिर मारिए तो बताए, फिर एक लात मारिए। बार बार मार खा रहा है, हर जगह से मार खा रहा है, अमेरिका से मार खाया, रूस से मार खाया, जापान से मार खाया, यहाँ तक कि सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया वहाँ से भी मार खाया। भगवान उसको सद्बुद्धि दे, हम यही प्रार्थना करते हैं वो नशे से बाहर आए बस। कल उन्होंने ये भी कहा कि जब स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने तभी उसके आरएसएस का नाम भी लिया और आरएसएस के बारे में जब उन्होंने कांग्रेस की तरफ से जो विवादित बयान होते हैं उनका भी इस्तेमाल उसने किया। पहली बात तो उसको आरएसएस का मतलब पता नहीं, आरएसएस क्या है उसको पता ही नहीं है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये जहाँ आपदा पड़ती है, हमारे यहाँ बाढ़ आ जाए, हमारे यहाँ कहीं आग लग जाए, हमारे यहाँ कोई भी आपदा आ जाए तो आरएसएस के लोग वहाँ पहले पहुँचते हैं। एक भी आरएसएस का आतंकवादी वो बता दे, कोई भी आरएसएस का जो केवल देश की सेवा के लिए हैं जी, वो देश की मतलब देश की हालत बिगाड़ने के लिए नहीं है। हम लोगों से ज़्यादा एक तो कहते हैं कूट कूट के जो है देश प्रेम भरा होते हैं, उन लोगों के अंदर पीस पीस के जो है। जैसे कि आप अभी कह रहे हो कि इमरान खान को शायद आरएसएस की जो पूरी फुल फॉर्म है वो नहीं पता, पर उनका ये जो बयान था वो इसके आधार पर था कि उन्होंने जो 2013 में जो सुशील कुमार शिंदे ने जो कांग्रेस के तत्कालीन गृह मंत्री थे उन्होंने इस चीज़ का बयान दिया था कि आरएसएस की जो कैंप है वहाँ पे आतंकी ट्रेनिंग होती है और उसी चीज़ का सहारा लेके इमरान खान ने बोला। तो हमारे देखिए पूर्व गृह मंत्री भी रहे हो और क्या कहते हैं उन्हीं से पूछ लिया जाए कि भाई आरएसएस का सबसे बड़ा अगर मुख्यालय है तो महाराष्ट्र नागपुर में, वो यही जगह बता दें कि किस जगह जो है क्या कहते हैं आरएसएस में आतंकवादियों का चलता है। हाँ कहाँ शिविर चलता है, प्रशिक्षण शिविर कहाँ चलता है, पहले बताएं तो। ये विदिशा महेंद्रा ने जो जवाब दिया इमरान खान को उस पर क्या कहना चाहिए? जो भी जवाब दिया बहुत बढ़िया जवाब दिया भाई, उसके लिए हम भी इमरान खान के ही जवाब देंगे कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे। और जो कहते हैं कि हमारे पास परमाणु बम है, मतलब गांव में कहावत है, मार देंगे, मार खाता रहेगा लेकिन मार देंगे, उसकी भाषा यही निकलेगी। उनके पास कुछ नहीं, उनका परमाणु बम जो है वो जब भारत पे आक्रमण करने की कोशिश करेंगे तो वहीं दग जाएगा, वो पाकिस्तान को खुद पाकिस्तान के नक्शे से मिटा देगा, वो आदमी ही ऐसा है। मोदी जी कहीं पर भी जाते हैं, मतलब जब भी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करते हैं तो मतलब पूरा देश हमारा आज साथ है हमारे साथ, मतलब कि पहले जो नहीं होता था आज वो हो रहा है, ठीक है, जो मतलब जो इतने सालों में नहीं हुआ आज हो रहा है। मैं आपको सिर्फ एक जमल बताता हूँ कि जब धारा 370 खत्म हुआ, ठीक है, तो इसमें कुछ लोग हमारे देश में उनको भी तकलीफ हो रही थी, ठीक है, पाकिस्तान को तो तकलीफ हो ही रही थी लेकिन हमारे देश में जो कुछ लोग हैं उनको भी तकलीफ हो रही थी। तो मोदी जी ने जितनी भी यात्रा की है वो सफल है। और अब बात करते हो यूएन की, तो यूएन के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ आपको चैनल के माध्यम से। तो जब हमारे संसद में जब हमला हुआ था तब यही सरकार थी और उन्होंने क्या कहा था कि हमारे संसद में हमला हुआ है, आप हमारी कुछ मदद कीजिए, ठीक है। जब हमारे संसद में हमला हुआ था तब उन लोगों ने यूएन को चिट्ठी लिखा कि सर हमारे पास मदद दीजिए, हमें कुछ किए, तब यही लोग थे सब, ठीक है। तो आज जो सब लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं, अमेरिका हो, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी क्या कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कोई भी कदम होगा हम मोदी जी के साथ है, ठीक है। तो हर आज कोई भी कंट्रीज ले लो कि मोदी जी के साथ खड़ा है, वैसे तो नहीं खड़ा होगा, मोदी जी में कुछ तो अच्छा लगा हो ना तभी साथ है ना हमारा देश, ऐसे तो कोई साथ नहीं देता है, पाकिस्तान के साथ क्यों कोई नहीं है, क्योंकि वो लोग वहाँ से आतंकवादी को पालते पोसते बड़ा करके यहाँ भारत में भेजते हैं, उनके पास और तो कोई काम है नहीं। अगर वो पाकिस्तान लड़ना चाहते हैं, युद्ध की धमकी दे रहा है, ठीक है, कि हम परमाणु युद्ध करेंगे, धमकी दे रहा है, बिगड़ भमकी से कुछ नहीं होगा, ठीक है, अगर उनको लड़ना है तो रोटी के खिलाफ लड़िए,
मोदी जी उनके साथ है, पाकिस्तान के साथ है। लेकिन इस बात पे क्या कहना चाहेंगे आपके, पाकिस्तान ने जो कल बड़बोला हो गया था, वो बौखला गया था स्टेज पे जाके, उसके बाद जब उन्हें 50 मिनट की जो स्पीच थी उसके अंदर उसने आरएसएस का नाम भी लिया, उसने ये कहा कि कांग्रेस की जो कुछ विवादित जो नेता है वो हमेशा विवादित बयान दे देते हैं, जिसका और सुशील कुमार शिंदे ने जो तत्कालीन गृह मंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने ये कहा था 2013 में कि जो आरएसएस के जो गैंग है, जो संगठन है, उनके कैंपों में आतंक की ट्रेनिंग कराई जाती है और उसी का इस्तेमाल इमरान खान ने आरएसएस पे हमला बोला, उस पर क्या कहना? देखिए पहली बात तो ये, इमरान खान ने जब स्टेज पे कहा था, उसने जो भी भाषण दिया ठीक है, उसमें मोदी जी को क्या बोला आपको मालूम है? राष्ट्रपति जी बोला मोदी जी को, ठीक है। तो मतलब ऐसे तो मुंह से नहीं निकल गया होगा, जब मोदी जी हमारे डोनाल्ड ट्रंप है तो उसकी जगह मतलब इमरान खान ने दी है, ठीक है। मतलब उतने डर गए हैं भारत से, ठीक है। तो उनकी गिगड़बंदियों से कुछ होने वाला नहीं है, भारत अच्छी तरह से जान चुका है और जो हमारे देश के मतलब जो भी हमारे देश के साथ है वो सब जानते हैं, ठीक है।